दोस्तों, अगर ये पांच योगासन आप रोजाना करते हैं तो आपकी बेली की जो फैट है या आपके पेट में लटकती हुई चर्बी, कुछ ही दिनों में आप इसको गायब कर सकते हैं। बस रोजाना आपको रात को सोने से पहले ये पांच योगासन करने हैं। जी हाँ, इससे पहले आपको जो है खाना खा लेना पड़ेगा। जी हाँ, खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद रात को सोने से पहले आप ये पांच योगासन अगर करते हैं तो आपका बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बेली फैट ख़त्म होने के साथ ही साथ जो होगा आपका मेटाबॉलिक रेट भी ये स्पीड अप कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे आप जो भी खाना खाओगे वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में नहीं जमेगा, साथ ही साथ जमा हुआ फैट भी निकल जाएगा। सबसे पहला योगासन आपको जो करना है, इस तरह से पद्मासन में बैठना है। घुटने मोड़कर इस तरह से पद्मासन में बैठें, अपने दोनों हाथों को नाभि के नीचे इस तरह से रखें। नाभि के नीचे इस तरह से दोनों हाथों को रखने के बाद धीरे धीरे आपको सामने की तरफ झुकना है। 1 से 10 तक आपको गिनती करनी है और फिर धीरे से ऊपर उठना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब आप नीचे झुकें तो आप सांस लें और जब आप ऊपर उठें तो सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार शुरुआती दिनों में, यानी कम से कम 10 से 15 दिन आप 10 बार करें, उसके बाद इसे 20 बार आपको रिपीट करना है, यानी दोहराना है। तो इस तरह से आप अपनी नाभि के पास अपने हाथों को, दोनों हाथों को रखें और धीरे धीरे सामने की तरफ जाएं, 1 से 10 तक गिनती करें, फिर धीरे से आपको ऊपर उठ जाना है। इसी तरह से इसको 10 बार, यानी 10 गिनती तक आपको इसे करते रहना है। इसी तरह से ये हो गया पहला योगासन। ये बहुत अच्छा योगासन है, ये आपके बेली के फैट को, आपके निचले पेट को ख़त्म करने में आपको मदद करेगा। साथ ही साथ आपके साइड फैट जो निकला हुआ है उसको ख़त्म करता है। खासकर जो नई माएँ होती हैं उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा योगासन है। ये आपके पेट को साफ रखने में भी मदद करेगा और आपके डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। 10 बार पहला वाला करने के बाद आप दूसरा जो एक्सरसाइज आपको करना है या दूसरा जो योगासन आपको करना है, इस तरह से सीधे लेट जाएँ, पैरों को इस तरह से 90 डिग्री के एंगल में मोड़ लें और हाथों से इस तरह से दबाकर पेट की तरफ खींच कर लाएँ और सर को घुटने से टिकाने की कोशिश करें। इसी तरह से आपको इस योगासन को भी 10 बार रिपीट करना है। बीच बीच में रेस्ट लेते रहें 10 सेकंड का। जैसे रेस्ट ले लिया, फिर धीरे से पैरों को मोड़े, हाथ से इस तरह से पैरों को पकड़े और सर को घुटने से टिकाने की कोशिश करें। 1 से 10 तक गिनती करें, फिर ऐसे सीधे लेट जाएं। इसी तरह से इसको आपको भी शुरुआत दिनों में 10 बार रिपीट करें और धीरे धीरे इसे 20 बार की रिपीटेशन में लेकर जाएं, यानी 20 बार इसे दोहराएं। अगर आप सिर्फ 3 दिन भी रोज़ाना इसको करते हैं, 3 दिन में आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा, आपके इंचेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए, जैसे मैं रिपीट करती जा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी इसे ही 10 बार करना है और उसके बाद 20 बार करना है। अगर आपके पेट में गैस बनती है, आपका पेट फूला हुआ रहता है, आपको कब्ज़ की परेशानी होती है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके बेली फैट को बढ़ाने में मदद करती है, बेली फैट को बढ़ा देती हैं। तो ये जो योगासन है दूसरा वाला, ये आपके इन्हीं समस्याओं को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा कर देगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जमा हुआ फैट तो निकल ही जाएगा और दोबारा फैट आपकी बॉडी में नहीं जमेगा, और साथ ही साथ आपका फूला हुआ बेली या फूला हुआ पेट भी बिल्कुल कम हो जाएगा। लटकता हुआ पेट आपका टाइट होगा और सपाट होगा। 10 बार करने के बाद अब देखिए तीसरा योगासन आपको क्या करना है। आपको इस तरह से आप ऐसे पैरों को मोड़े और हाथों को अपने कमर के पास आपको ले जाएं इस तरह से, और इसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने पैरों को ऊपर उठाएं, 30 से 45 डिग्री तक ही ऊपर उठाएं, इससे ज़्यादा नहीं। या तो 30 डिग्री उठाएं या 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है,
एक से 10 तक गिनती करें, फिर नीचे रखें। अपने दोनों हाथों को आपको कमर के नीचे रखना है, जिस तरह से मैंने रखा है। तो इसी तरह से कमर के नीचे दोनों हाथों को रखें, पैरों को धीरे से ऊपर उठाएं, 35 या 45 डिग्री का त्रिकोण जैसे बनाते हैं उस तरह से आप बनाएं। 1 से 10 तक गिनती करें, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें, फिर पैरों को उठाएं। जितना मैं उठा रही हूँ बस इतना ही आपको उठाना है, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपको उठाना है पैरों को बस, और फिर धीरे धीरे नीचे रखें। इसे भी 10 बार शुरुआती दिनों में आप 10 बार करें, और जब हफ्ता भर आप ये एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद आप इसको 20 बार करें। इसी तरह से आपको इसे रिपीट करना है। ये आपके निचले लटके हुए पेट को सपाट करेगा, आपके लटकते पेट को टाइट करने में भी मदद करेगा। आपके पेट की चर्बी अगर थुलथुली चर्बी है और बहुत लटकी हुई है, फूली हुई है, उसको ख़त्म करने में बहुत ही असरदार है ये वाला एक्सरसाइज या ये वाला योगा। तो जिस तरह से मैं रिपीट कर रही हूँ इसी तरह से आपको इसे रिपीट करना है, और रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप 11 बजे तक सोते हैं तो 9 बजे तक अपना डिनर कर लें, और रात को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ये वाले एक्सरसाइज करके देखें। रात भर में आप देखोगे पहले ही दिन आपको अपनी बेली बहुत ही हल्की महसूस होगी और बेली से फैट निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, आप इस तरह से पैरों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को भी ऊपर उठाएं, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से पैरों को 30 से 35 डिग्री तक ऊपर उठाएं और हाथों से इस तरह से आगे की तरफ ले जाएं। ऐसे कोशिश करें जैसे आप पैरों को छूने की कोशिश कर रहे हैं बस, लेकिन पैरों को छूना नहीं है। इसी तरह से इसे भी शुरुआती दिनों में 10 बार करें, फिर 20 बार इसको दोहराएं। बहुत ही असरदार और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है बेली फैट को स्पेशली ख़त्म करने के लिए। अब जो दूसरा आखिरी एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से कमर को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और अपने हाथों से आपको अपनी एड़ियों को पकड़ना है इस तरह से। अगर आप घुटने अच्छे से मोड़ सकते हैं तो आप एड़ियाँ पकड़ सकते हैं, और अगर आपकी घुटनों में दर्द है या परेशानी है, समस्या है, तो आप एड़ियों को ना पकड़े, आप जितना हो सके अपने कमर को ऊपर करने की कोशिश करें। हाथों से अगर नहीं पकड़ सकते कोई परेशानी नहीं है, बस अपने हाथों को कमर के नीचे रखें और इस तरह से आपको जो है आपकी बेली को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है। 1 से 10 तक गिनती करनी है और फिर धीरे से नीचे रख देना है। इसे भी शुरुआती दिनों में आप 10 बार करें और इसके बाद 20 बार दोहराएं। तो इसी तरह अपनी कमर को ऊपर करने के बाद 1 से 10 तक गिनती करें, 1 से 10 तक गिनती करके रुकें, और फिर धीरे धीरे कमर को नीचे उतारना है आपको। तो इसे भी इसी तरह से आप करते रहें, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, खासकर महिलाओं के लिए जिनकी कमर में दर्द होता है या बैक बोन कमज़ोर है, कमर में दर्द होता है, या जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है बेली फैट को ख़त्म करने के लिए। तो आज मैंने आपको ये 5 एक्सरसाइजेस बताए। ये 5 एक्सरसाइज आप हर रोज़ रात को कर सकते हैं, या फिर सुबह खाली पेट भी अगर आप ये 5 एक्सरसाइज करते हैं, 5 योगासन करते हैं, बहुत जल्दी आपका बेली फैट ख़त्म हो जाएगा और आपका बेली बिल्कुल सपाट और टाइट हो जाएगा।